किसी भी काम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास हजारों तरीके होते हैं। अब वो पब्लिक पर डिपेंड होता है कि आपके उस काम को लोग किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। अब कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है असुर वेब सीरीज को लेकर, जिसका सीजन 1 पहले से आ चुका और सीजन 2 भी रिलीज होने के लिए तैयार हो चुका और उसका जो ट्रेलर है ना वो हमारे सामने आ चुका। अब आप इस वेब सीरीज को जितनी बार देखोगे आपका जो नजरिया है उतनी बार बदलता जाएगा। ये पहला जो सीजन रहा था वो काफी पॉपुलर रहा था और लोगों का जो एंगल था वो काफी बदलता हुआ गया था, क्योंकि पहले तो उन्हें थ्रिलर देखने को मिला था, उसके बाद में माइथोलॉजी वाला चैप्टर देखने को मिला था। तो ऐसे में लोगों को जो रिप्रेजेंट वाला जो तरीका था वो उन्हें खुद भी नहीं समझ में आया था। और वही जो पहला सीजन था वो ब्लॉकबस्टर हो गया था और लोगों के सामने जो रिप्रेजेंट वाला जो तरीका था वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन आ गया था। उसके बाद में एक न्यूज तो ये क्लियर हो चुकी थी कि इसका दूसरा सीजन तो आएगा और एक लंबे समय से उस सीजन का वेट भी किया जा रहा था कि इसका सीजन 2 कब आएगा। और जो सीजन 2 का जो ट्रेलर है ना वो तो हमारे सामने आ चुका है। तो ऐसे में उस ट्रेलर में हमें कितने बड़े बदलाव देखने को मिले, क्या सीजन 1 और सीजन 2 में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टोरी प्लॉट तो वही रहने वाला है। तो हाय हेलो वेलकम, कैसे हो आप सभी लोग, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अरशद वारसी की एक ऐसी वेब सीरीज जो कि लोगों की सोच को बदल दी गई थी, लोगों का जो नजरिया था वो भी बदल चुका था और जो पहला सीजन रहा था वो लोगों के लिहाज से काफी ब्लॉकबस्टर भी रहा था। उसे देखने के बाद में लोगों को माइथोलॉजी और थ्रिलर के बारे में एक नया चैप्टर जोड़ा था, क्योंकि लोगों को ये चीजें पता नहीं थी कि थ्रिलर और माइथोलॉजी भी इस तरीके से दिखाए जा सकते थे। तो असुर 2 का जो ट्रेलर है ना वो हमारे सामने क्लियर हो चुका है। तो ऐसे में ट्रेलर में क्या क्या नए बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, क्या वो थ्रिलर हमें देखने को मिलेगा, क्या वो माइथोलॉजी हमें देखने को मिलेगी, या उसमें भी कुछ अलग बदलाव किए जाएंगे। अब इसके पहले सीजन में क्या हुआ था कि दो लड़कों को लेकर आप मान सकते, जिनमें एक तो अरशद वारसी थे और दूसरे जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के जो सबसे सक्सेसफुल आदमी माने जा रहे थे निखिल साहब थे, और उन दोनों का जो तरीका था मौत करने का वो काफी एक्सपर्ट लेवल का था। वैसे तो वो दोनों अपने आप को असुर मानते थे और उनका जो लोगों को जो मारने का जो तरीका था और उसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था ना वो काफी अलग, जो लोगों की वो मौत करते थे उनमें एक लॉजिक होता था जो उन्हें खुद भी नहीं पता था। उसके बाद में आती है बारी दूसरे सीजन की, क्या दूसरे सीजन में वो लॉजिक हमें देखने को मिलेगा। अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत वापस अरशद वारसी के साथ हो चुकी है और वो माइथोलॉजी वाला चैप्टर है ना वो भी यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में बारी आती है जो हमारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट के जो निखिल साहब है वो भी इसमें एंट्री मार चुके हैं। अगर हम इसके सीजन 1 और सीजन 2 को लेकर बात करें कि इसमें कितने बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, तो स्टोरी प्लॉट में तो कुछ बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहला चैप्टर था उसी को लेकर ये आगे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले चैप्टर में कुछ अलग चीजें हमें देखने को मिलेगी और दूसरे चैप्टर में कुछ अलग चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही इस वेब सीरीज को लेकर आगे बढ़ेगा। उसके बाद में जो पहला सीजन था उसे लोगों को जो पसंद करने का जो तरीका था ना वो एक लॉजिक को लेकर आगे बढ़ता था, क्योंकि दोनों अपने आप को एक असुर मानते थे और उनका जो मौत करने का जो तरीका था उसके पीछे एक लॉजिक होता था। उसके बाद में जो सस्पेंस हमें देखने को मिला था, जो थ्रिलर देखने को मिला था वो एक्स्ट्रा लेवल का था, जो कि किसी वेब सीरीज में पहले नहीं देखने को मिला था। तो वैसे ही दूसरे सीजन से उम्मीद थी कि वैसा ही सस्पेंस और थ्रिलर हमें इसमें देखने को मिलेगा। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में वो सस्पेंस और थ्रिलर हमें देखने को मिला है जो कि सीजन 1 में पहले से पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब कहानी किसे रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि कहानी का जो प्लॉट होगा वो तो सेम रहेगा लेकिन कहानी शुरुआत कहाँ से होगी, क्या उसी दोनों असुरों के साथ कहानी को लेकर आगे बढ़ेंगे या कहानी के प्लॉट में कुछ बड़ा बदलाव किया जाएगा, तो ये तो सीजन 2 आने के बाद में पता चल जाएगा। लेकिन अगर ट्रेलर की बात करें ना, ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो लोग इसे 5 में से 4 रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं और काफी अच्छे पॉइंट भी इस ट्रेलर को निकल कर आ रहे हैं और लोगों को एक बार फिर से वो माइथोलॉजी और सस्पेंस वाला चैप्टर देखने को मिल सकता है।